एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड मेकअप वंस अगेन विद योर सनी। जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि हमारे हेयर का मेन प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन, या दैट्स द डैंड्रफ एंड उसका सोल्यूशन वाला, तो मेरा कुलस शैम्पू वो आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो प्लीज़ डियर मेरे वीडियो में जाके वो थोड़ा चेक कर लीजिए। और सबसे पहले मेरे चैनल को डियर सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत से यूज़फुल वीडियो अभी आ रहे हैं आपके लिए। तो ये मेरा हेयर केयर रेंज का और एक यूज़फुल वीडियो है, जो है हेयर फॉल कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप। जैसे मेरे वीडियो मेरे चैनल में हेयर फॉल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, मेरा हेयर केयर रूटीन भी शेयर कर चुकी हूँ। आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हो तो जल्दी से जल्दी वो सब चेक कर लो। हेयर का जो मेन इशू है डैंड्रफ का सोल्यूशन तो हमें मिल गया है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, इन्फेक्शन चला जाए लेकिन हेयर फॉल तुरंत बंद नहीं होती है, थोड़ा सा मिनिमाइज ज़रूर होती है। और जिनका डैंड्रफ के साथ साथ बहुत हेयर फॉल हो चुकी है ऑलरेडी, जिनका हेयर बहुत ही थिन लिम्प हो चुकी है, बॉल्ड स्पॉट्स आ चुके हैं, वो क्या करें, उसके लिए भी रेमेडीज है। वो है हमारे हाथों के सामने, हमारे शॉप में ऑनलाइन में एक बहुत ही बजट फ्रेंडली शैम्पू, और उसके साथ साथ अभी जो बहुत क्रेज़ चल रहा है ऑनियन वाला शैम्पू, ये दोनों ही मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो आई हैव दिस टू शैम्पूस। एक है पैंटीन, जो बहुत ही हमारे फेमस वाला है, बहुत ही जानी पहचानी सा है, बजट फ्रेंडली है, और हमारे काफ़ी सारे घरों में वॉशरूम में ये तो अवेलेबल होगा ही होगा। और एक ये है जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी, ये ओनली मे बी अमेजन में ही मिलेगा आपको और बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिलती है, टोटली सल्फेट फ्री वाला शैम्पू है। डैंड्रफ कंट्रोल के लिए हम बहुत सारे DIYs करते हैं, जैसे कि ऑयलिंग, काफ़ी सारे अच्छे ऐसे हेयर मास्क, कभी एक मास्क लगाते हैं, कभी योगर्ट हनी लगाते हैं, अच्छे अच्छे से फेनुग्रीक वाला हेयर मास्क लगाते हैं। लेकिन जिसको इतना सारा टाइम नहीं है डियर, और जो थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं कि नहीं इतना सारा काम करने के बाद आई हैव नो टाइम टू डू दैट और आई हैव नो एनर्जी टू डू दैट, वो लोग क्या करेंगे। और कभी कभी DIYs भी अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होती है। अच्छे शैम्पू के साथ हम अगर अच्छे से उसे क्लीन नहीं करेंगे डियर, तो कोई भी DIY वाला मास्क आपको वर्क नहीं करेगा। इसलिए आपको अच्छा वाला शैम्पू यूज़ करना है, शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स अच्छे से चूज़ करना है, हेल्दी स्क्वीकी क्लीन वाला फीलिंग्स मिले और हेयर हेल्दी रहे। तो इसके लिए मैं पहले आपके साथ जो वाला शैम्पू यूज़ शेयर करने जा रही हूँ, दैट इज़ द पैंटीन हेयर फॉल शैम्पू। इसका दो वेरिएशन ही मेरे पास है, दिस इज़ द ओल्डर वन, दिस इज़ द न्यू वन। तो मैं इसके लिए आपके साथ ये वाला वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, जो पैंटीन के फेमस, जो पैंटीन के बहुत बड़े फ़ैन हैं, पैंटीन जिसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव रहा है हेयर फॉल के लिए मेनली, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं मेरा पुराना वाला यूज़ करूं या नया वाला यूज़ करूं। डियर एक्चुअली मेरा अगर ऑनेस्ट रिव्यू मानो, मेरा ये वाला बॉटल खाली हो चुकी है। मैं पैंटीन बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रिव्यूज़ करना पड़ता है। और मैं एक बात आपको सजेस्ट भी करूँगी कि शैम्पूस थोड़ा सा आपको एवरी 4 to 5 months में थोड़ा सा स्विच भी करनी है। कोई एक वाला शैम्पू ज़्यादा दिन तक यूज़ करने से उसका इफेक्टिवनेस उतना नहीं रहता है। आप अगर हेयर फॉल वाला ये वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो कुछ दिन बाद आप यू यूज़ करना, ये बंद कर दो तो फिर इसमें स्विच कर सकते हो। और भी बेटर वाला कुछ शैम्पू अगर आपको ऑप्शन में मिले तो आप वो यूज़ कर सकते हो डियर। लेकिन शैम्पूस को आपको एवरी 4 to 5 months चेंज करना है, स्विच करना है। तो जैसे कि मैं बहुत सारा शैम्पूस यूज़ करती हूँ, बट कभी ना कभी मेरा हेयर फॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो मुझे ये वाला शैम्पू में इतना ट्रस्ट है, मैं वापस आती ही आती हूँ। ये जैसे एकदम मैं इतना तक यूज़ कर चुकी हूँ, यहाँ तक का यहाँ पे शैम्पू है, आधे से ज़्यादा वाला है, बट ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ये वाला मैंने फर्स्ट जब परचेज़ किया था तब इसके बारे में ज़्यादा ऐड आ रही थी, इसका पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो हमने सोचा चलो इसको थोड़ा बढ़ने देते हैं, थोड़ा पॉपुलर होने देते हैं, अगर अच्छे वर्डिक्ट ओपिनियन मिले तो डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस। तो मेरा ये वाला शैम्पू और ये वाला शैम्पू में मैं थोड़ा डिफरेंस कितना है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द पैकेजिंग, साइज़ में मत दीजिए, ये वाला छोटा साइज़ है, बड़ा है, इसका छोटा साइज़ अवेलेबल है कि नहीं आई हैव नो आइडिया, मुझे ये वाला ही मिला तो मैं ये वाला साइज़ ही चूज़ किया। तो
इसका जैसे साइज ये है पैंटीन प्रो वी शैम्पू हेयर फॉल कंट्रोल. इसमें रिड्यूसेस हेयर फॉल, डेफिनेटली रिड्यूसेस हेयर फॉल होती है. मैं इतना हैप्पी हूँ डियर. मेरा बीच में इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रही थी क्योंकि ह्यूमिड मनसून में मुझे बहुत हेयर फॉल हो जाती है और एक दो बार मैं थोड़ा शैम्पू इधर उधर स्किप भी कर लेती हूँ, थोड़ा डिले हो जाती है या थोड़ा हीट प्रोसेसिंग ज़्यादा हो जाती है डियर, तो बड़ा हेयर फॉल ज़्यादा होती है. तो लास्ट दो मंथ से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रही थी. लिटरली मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इतना क्यों हेयर फॉल हो रही है. डैंड्रफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी नहीं करवाए है, लेकिन पता नहीं कि थोड़ा पीसीओडी की इधर उधर हो जाने से भी डैंड्रफ हेयर फॉल हो जाती है डियर. तब मैंने फिर से मेरा ये वाला शैम्पू लिया. ये पूरा बॉटल खाली होने तक नहीं, मेरा जब ये आधा हो गया था ना ये वाला बॉटल, तभी से मेरा हेयर फॉल भी आधा हो गया डियर. और अब ये ख़त्म हो गया तो मेरा ऑलमोस्ट हेयर फॉल ख़त्म हो गया. जितना मिनिमम एक हेयर वॉश में आपके वॉशरूम में हेयर गिरता है उतना ही जस्ट हेयर फॉल होती है मेरी, ट्रस्ट मी. अगर जो लोग इसे यूज़ करके इफ़ेक्टिवनेस मिल चुकी है, जो लोग इसे यूज़ करके आपको रिजल्ट मिल चुका है डियर, दे नो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ आप लोग एग्री करते हो मेरे बात के साथ. और जो लोग अभी भी यूज़ नहीं कर रहे हो डियर, प्लीज़ 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 एक बार इसे यूज़ कर लो. इसका छोटा वाला सैशे भी मिलती है 3 या 4 रुपीस में. आप उसके साथ भी 2-3 बार ट्राई कर सकते हो कि आप देखेंगे थोड़ा सा भी आपको हेयर फॉल रिड्यूस हुआ, देन आप इससे वाला बॉटल ट्राई कर दीजिएगा, परचेस कीजिएगा. तो इसका थोड़ा आपको MRP बता दूँ, ये 180 ml और इसका प्राइस है 115. और ये मुझे डिस्काउंट में मिली थी और इसमें ऑलरेडी सेफ 20 रुपीज़ का ऑफर भी चल रहा था. ये एक बात डिस्क्लेमर है, ये दो पैंटीन सल्फेट फ्री नहीं है. इसमें डियर सल्फेट है, बट दिस आर नॉट हार्श फॉर योर हेयर. ये ज़्यादा हेयर को ड्राई नहीं करती है. ये वाला जो दो शैम्पूस है बहुत ही क्रीमी टाइप का फोम एंड लेदर क्रिएट करती है, अच्छे से स्क्वीकी क्लन करती है आपके स्कैल्प को, बट हेयर को ज़्यादा ड्राई नहीं करती है. लेकिन फिर भी आपको मेरे जैसे अगर हेयर का प्रॉब्लम है, थोड़ा ड्राई टेंडेंसी वाला हेयर है, तो आप ज़रूर से ज़रूर कंडीशनर कीजिएगा और अच्छे से डीप कंडीशनिंग मास्क सीरम ये सब यूज़ कीजिएगा, ताकि आपके स्कैल्प के ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देगा हेयर फॉल की इशू, और हेयर ड्राई भी नहीं होगा, तो इसलिए आपको हेयर फॉल टोटली बंद हो जाएगा. तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, आप इसके साइट में जाइएगा और इसको थोड़ा जूम करके आप देख भी सकते हो. किसी भी साइट में अमेज़न, नाइका, कोई भी शॉपिंग सेंटर में, वो चाहे बिग बाज़ार हो, स्पेंसर हो, ये कभी भी कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा. लोकल आपके ग्रॉसरी स्टोर पे भी ये मिलता है, तो आप इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा डियर. बट इसमें हाँ, इसमें सल्फेट है जो मेन है, मैं आपको आपके साथ शेयर कर दिया. इसका शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स. थोड़ा ये फ्लिप कैप में आती है, इसका पैकेजिंग बहुत अच्छा है, बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, लीक भी कुछ भी नहीं करती है. और इसका मैं टेक्सचर आपको थोड़ा दिखा देती हूँ. ये थोड़ा सा रानी टाइप का टेक्सचर है. फ्रेग्रेंस बहुत 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 ब्यूटीफुल है डियर, इतना अच्छा है ना, टोटल आपका वॉशरूम एकदम महकता रहेगा, इतना रिफ्रेशिंग फ्लोरल सा एक फ्रेग्रेंस है. ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से लेदर करती है, एक थिक टाइप का कंसिस्टेंसी देती है. इसका भी लगाने का आपको टेक्निक बता दूँ, अच्छे से हेयर को आप ऑयलिंग किए हो या नहीं भी ऑयलिंग किए हो, अच्छे से वॉश कर लेना 2-3 बार पानी से नॉर्मल वाटर से. फिर ये शैम्पू को अच्छे से मसाज कीजिएगा 1 मिनट तक. फिर रिंस आउट करके आपको नेक्स्ट टाइम लगाना है तो 1 मिनट तक इसे रखने दीजिएगा, बट नॉट मोर देन 1 मिनट. फिर आपको रिंस ऑफ करना है, क्योंकि एक यूज़फुल इफेक्टिव शैम्पू को, वो डैंड्रफ वाला ही हो या एंटी हेयर फॉल वाला ही हो, इसके इफेक्टिव दिखाने में आपको लगेगा थोड़ा सा टाइम, उसको स्कैल्प पे थोड़ा इफेक्ट करने के लिए टाइम देना है डियर. तो इसलिए 1 मिनट तक ज़रूर से ज़रूर रुकना, फिर उसको अच्छे से मसाज करने के बाद आउट कर देना. आते हैं ये नया वाला पैकेजिंग में. नया वाला का जो पैकेजिंग है ये है थोड़ा सा ऐसा, इसमें लिखा हुआ है एडवांस्ड हेयर फॉल सॉल्यूशन, ये जैसे नॉर्मल हेयर फॉल कंट्रोल का. तो इसका डियर पैंटीन का बहुत सारा वेरिएशन आती है. ये है टोटल डैमेज केयर, इसमें है एंटी हेयर फॉल, दोनों एक साथ है. तो ये है टोटल डैमेज केयर, उसके साथ है एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन प्रो वी, और ये वाला है टोटली हेयर फॉल कंट्रोल वाला वेरिएशन. तो इसके साथ ये वाला एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं, आई हैव नो आइडिया. बट मुझे जो यहाँ पे मेरे शॉप में मैंने बिग बाज़ार से ये लिया था, तब दिखा था मुझे ये टोटल डैमेज केयर विथ एडवांस हेयर फॉल सॉल्यूशन. तो मैंने ये वाला ही लिया कि हेयर फॉल कंट्रोल वाला मुझे चाहिए, उसके साथ डैमेज कंट्रोल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है.
तो इसका साइज़ है तो ये थोड़ा बड़ा वाला है, इसके छोटा वाला नहीं मिला, तो ये 340 ml का है और इसका प्राइस है 220। और इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं था डियर, इसका भी शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स। इसमें भी सल्फेट है, दोनों के दोनों में सल्फेट है, फ्रेग्रेंस अल्कोहल सभी है, लेकिन एक अच्छा स्क्वीक क्लीन देने वाला शैम्पू में मैंडेटरीली सल्फेट होती है, बिकॉज कोई अच्छे से फोम हो, फोम के साथ कोई ऑयल रेसिड्यू एकदम से रिंस आउट करना है तो डेफिनेटली उसमें सल्फेट होता है। तो डियर ये बात है, इसका भी सेम पैकेजिंग है इसके जैसा ही, टोटली इसका फ्लिप कैप है और इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सेम वो ऐसा ही, सेम कलर, सेम फ्रेग्रेंस, सेम पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज जस्ट सेम। इसका थोड़ा सा आपको रनी टेक्सचर, थोड़ा थिक टू रनी टेक्सचर होगा, सेम वाला फ्रेग्रेंस है और इफेक्टिवनेस भी सेम ही है। मैं दोनों को यूज़ करती हूँ पैरेलली, एक दिन ये करती हूँ मंडे को तो 2 दिन बाद मैं ये हेयर वॉश करती हूँ, तो वेडनेसडे मैं इसे करती हूँ, क्योंकि मुझे दोनों को साथ साथ ही यूज़ करना है और आपके साथ ऑनेस्ट वाला रिव्यू मेरा शेयर करनी है कि दोनों का सेम रिजल्ट है। जस्ट मुझे पता नहीं क्यों ये यहाँ पे ऐसा लिखना और पैकेजिंग चेंज करना, इससे मार्केटिंग के लिए है डियर। असली में ये दो प्रोडक्ट सेम है, तो आपको अगर ये वाला मिले तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस वन, अगर आपको नहीं मिले ये वाला, डिसकंटिन्यू हो जाए ये वाला बॉटल, तो ये नया वाला वेरिएशन आप अगर आंखें बंद करके परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम है, एकदम बिल्कुल सेम। इसका इफेक्टिवनेस भी सेम ही है, जितना आप यूज़ करोगे उतना हेयरफॉल आपका रिड्यूस होगा। हाँ, डेफिनेटली आपको हाइजीन मेंटेन करना है, खाना लाइफस्टाइल ठीक करना है, आपका कोई हार्मोनल और इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिक्योर आपको क्योर करना है, तब जाके आपको पूरा इंटरनली आप क्योर हो जाओगे, और एक्सटर्नली हेयरफॉल रिड्यूस करने के लिए ये वाला शैम्पू हाईली 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 रिकमेंडेड है। आप अगर आप बजट फ्रेंडली कोई हेयरफॉल कंट्रोल वाला शैम्पू चाहते हो तो ये दोनों में से कोई भी एक ले लो पैंटीन का, एकदम आंखें बंद करके वो इफेक्टिवनेस यू कैन सी। अगर आप चाहते हो कि नहीं आपका कलर ट्रीटेड हेयर है, रिबॉन्डिंग हेयर है और आपने स्मूथनिंग केराटिन बहुत कुछ करवा चुके हो, उसके साथ साथ आपका हेयर फॉल बढ़ चुका है, नॉर्मल से बहुत 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 ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है और आप कोई सल्फेट वाला शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहते हो जो हर्श हो, तो आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द अनदर वन मिराकुलस शैम्पू, इज़ हाईली रिकमेंडेड। ये आपको सिर्फ और सिर्फ डियर अमेजन में मिलेगा, मेरे ख्याल से ऑनलाइन ही मिलेगा, कोई स्टोर में तो मुझे ये सच नहीं दिखी है। ये वाला ब्रांड का मैंने कैस्टर ऑयल भी यूज़ किया है, इट्स अ वेरी 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 गुड ब्रांड फॉर ऑल टाइप ऑफ हेयर केयर रेंज। मैंने इसका कैस्टर ऑयल यूज़ किया है, वो भी आपके साथ शेयर की थी मेरे हेयर केयर रूटीन में, मेरे हॉल में, और ये मैं जब परचेज भी की थी अमेजन में तब भी आपके साथ मैंने अमेजन हॉल आपके साथ शेयर किया था। मुझे मैंने आपको बोली भी थी कि मैं इसे अच्छे से यूज़ करूँगी, फिर डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो एंड शेयर माई ओपिनियन। तो रियली ये भी ख़त्म होने वाला ही है, आप देख सकते हो, जो भी यूज़ करते हैं मैं और मेरे हस्बैंड बोथ करते हैं ताकि दोनों के ऊपर एक कैसा काम करे, हमको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा तो ही हम आपके साथ मैं इसे शेयर करती हूँ। तो ये वाला शैम्पू के साथ मैं थोड़ा डिटेल्स बता दूँ, ये पॉजिटिव रूट प्लस थेरेपी का ब्रांड है, रेड ऑनियन शैम्पू। अभी काफ़ी सारे आप यूट्यूब में सर्च करोगे या गूगल में जाओगे, रेड ऑनियन वाला शैम्पू ऑयल सीरम अभी बहुत बहुत क्रेज में है। इन बिटवीन बहुत सारे अभी जो होता है ना, ऑनियन जूस बनाना, उसको ऑयल के साथ मिलाना, ये सब करने का हमारे पास टाइम नहीं है, और ऑनियन जूस का जो एक स्मेल होती है ना, उसको भी हम काफ़ी सारे हैं जो रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए एडिशनल कुछ एसेंशियल ऑयल को लगाओ या थोड़ा सा भी रेजिड्यू रह जाता है जितना भी आप इधर उधर का कुछ यूज़ नहीं कर ले, तो स्मेल का इशू, बनाने का इशू, टाइम, सभी का इशूज़ के दौरान क्या होता है कि हमारा ये ऑनियन जूस यूज़ करने का और मूड नहीं होती है। ऑनियन जूस एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो मिराकुलसली प्रिवेंट करती है हेयर फॉल। आप अगर एक वीक, फाइव डेज इन अ वीक आप अगर कंटिन्यूसली ऑयल के साथ ऑनियन जूस घर में यूज़ कर सकते हो तो आपका हेयर फॉल 70-80% मिनिमाइज हो जाएगा, लेकिन उतना टाइम, उतना
एफर्ट किसी को देना भी पसंद नहीं है डियर. उसका स्मेल भी बहुत ऑकवर्ड होती है, बहुत ही गंदा होता है ऑनियन जूस का स्मेल. कोई कोई बिल्कुल नहीं रेजिस्ट कर पाता है. तो इसलिए ऑनियन जूस डाला हुआ शैम्पू ऑयल अभी मार्केट में बहुत सारे निकल चुके हैं. और जो भी लेना है डियर, सल्फेट फ्री ऑर्गेनिक ब्रांड का लेना. कोई भी लोकल ब्रांड का आप कोई शैम्पू लोगे ऐसा वाला इंग्रेडिएंट्स का, तो वो शायद इफेक्टिवनेस उतना नहीं दिखा पाएगा. इसलिए हम थोड़ा ट्रस्टेड ब्रांड वाला अगर ढूंढ के ले, वो चाहे आप ये ब्रांड का लो या बहुत सारे ब्रांड अभी ममाअर्थ का भी आ चुका है और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं अमेज़न में मिलेगा अच्छे डील में, अच्छे वाले रिव्यू के साथ आप ट्राई कर सकते हो. बट उसका मेन इन्ग्रीडियंट होना चाहिए ऑनियन वाला शैम्पू. तो मैं पर्सनली ये वाला शैम्पू का ब्रांड यूज़ की हूँ, तो इसके ऊपर ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा इफेक्टिवनेस इसमें मुझे कैसा इफेक्ट दिया. इसमें लिखा है प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ, ट्रीट्स लाइज, रिड्यूसेस हेयर फॉल, कंट्रोल्स डैंड्रफ. बेनिफिट्स है एनहांसेस हेयर ग्रोथ, हेयर लॉस देती है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, पीएच बैलेंस रिपेयर्स हेयर फॉलिकल, स्ट्रेंथन्स हेयर रूट्स, एलिमिनेट्स डैंड्रफ, इम्पार्ट्स शाइन एंड लस्टर. इसका डायरेक्शन भी यहाँ पे दिखा हुआ है. हर शैम्पू जैसे नॉर्मल होती है, डैम्पन योर हेयर एंड देन रिक्वायर्ड अमाउंट आपको लेके दोनों हाथ में रब करके आपको मसाज करना है. फिर आपको एक मिनट तक रख के वॉश आउट कर लो. सेकेंड टाइम इसे लोगे, फर्स्ट टाइम 1 मिनट एंड सेकेंड टाइम इसको आपको 5 मिनट्स तक रखना है. जैसे कि मेरे एंटी डैंड्रफ वाला वीडियो में मैंने वो जो केटोकोनाजोल वाला शैम्पू का आपको सजेस्ट की कि उसको 3 मिनट्स रखना है डियर, इसको 5 मिनट्स रखना है. क्योंकि मैं तब भी आपके साथ मेंशन की थी, अभी भी मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, उस वाले वीडियो में भी मैं आपके साथ मेंशन कर दिया था कि कोई भी इफेक्टिवनेस वाला जो शैम्पू मेडिकेटेड वाला या कोई ट्रीटमेंट बेसिक शैम्पू हो तो उसको आपको स्कैल्प में 3 to 5 मिनट्स रखना होता ही होता है, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं होगा. तो आप अगर हम जस्ट लगाओगे और उसको वॉश आउट कर डालोगे, फिर बोला दी ये क्या वीडियो बनाया आपने, को तो टोटल एकदम फॉल्स बोलते हो, फेक बोलते हो, कोई काम नहीं किया. नहीं डियर, काम ज़रूर करेगा. और मैं जो मैं सजेस्ट करती हूँ ना, उसके ऊपर मेरा फेथ हो, मैं पर्सनली सेटिस्फाइड हूँ, तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. इसलिए कोई फेक नहीं है यहाँ पे. मैं जैसे आपको बोल रही हूँ और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन अच्छे से लिखा हुआ है डियर, तो आप थोड़ा उसको फॉलो कर लीजिएगा, वैसी हिसाब से आप कीजिए. 1 मंथ इसको ट्राई कीजिए तो आप बताना. सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए ऑल अगर बंद करना चाहिए तो ये वाला हाईली रिकमेंडेड है. तो इसके लिखा हुआ है कि ये है टोटली क्लिनिकली अप्रूव्ड एंड प्राउडली इंडियन ब्लेंड विद आयुर्वेदिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स. इसमें इंग्रेडिएंट्स है रेड ऑनियन ऑयल जिस द मेन इंग्रेडिएंट, देन है भृंगराज, ब्रह्मी, एलोवेरा, हिबिस्कस ऑयल, नीम एक्सट्रैक्ट, शिकाकाई, मेथी, लिकोरिस एंड ग्लिसरीन, कोकोनट. बहुत सारा ओरिजिनल वाला जो इंग्रेडिएंट्स, हर्बल वाला, आयुर्वेदिक वाला इंग्रेडिएंट्स है वो सब है. माइल्ड सा फ्रेग्रेंस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता और हेयर भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है इसके साथ. कंडीशनर ज़रूर से ज़रूर डियर यूज़ करना. बट ये है डर्मेटोकली टेस्टेड, पैराबिन फ्री है, नॉट ओनली सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री भी है. और इसमें लिखा भी हुआ है ये आपको शाइन और हेल्दी लुकिंग हेयर देगा और स्कैल्प से डैंड्रफ भी ये रिमूव करती है. ये एक एडिशनल है क्योंकि यहाँ पे नीम है, हिबिस्कस ऑयल है, शिकाकाई, मेथी है, ये सब हम जानते हैं दिस आर द मेन इंग्रेडिएंट्स टू रिमूव योर डैंड्रफ आल्सो. तो ये दोनों का ही काम करता है. बट मुझे डियर ये दो, मेरा जो डैंड्रफ वाला शैम्पू आपके साथ शेयर की थी, मैं वो वाला 1 दिन करती हूँ, ये वाला 2 दिन करती हूँ, तो मुझे दोनों का ही इफेक्ट अच्छे से मिल गया है. मैं थोड़ा इसका टेक्सचर दिया दिखा देती हूँ. ये थोड़ा कलरफुल है, इसका टेक्सचर टोटल ऑनियन जूस का जैसे कलर होती है ना, लाइट पर्पलिश सा एक टिंट है इसमें और बहुत ही रनी टेक्सचर का शैम्पू है. फोम देता है लेकिन थोड़ा सा कम, जैसे इसमें सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, तो ये आपको थोड़ा झाग कम देगा. इसलिए आप बहुत ज़्यादा मत लेना इसको लेदर और फोम क्रिएट करने के लिए, उसमें हेयर थोड़ा ड्राई हो जाएगा डियर. जितना आपको चाहिए, पंप है, पंप बॉटल बहुत ही इफेक्टिव होती है और ये टोटल लॉक सिस्टम में है, ट्रैवल फ्रेंडली. सो अनदर प्रोस है इसकी कि बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, यू कैन कैरी हियर एंड देयर बिकॉज ये लॉक हो जाती है, फिर आपको लॉक को रिलीज करो, फिर ये इसको यूज करके निकलेगा. फ्रेग्रेंस इतना ऑसम है आपको नहीं लगेगा ये कोई ऑनियन वाला शैम्पू है. लिटरली आप यूज़ कर रहे हो, कोई पूछेगा कौन सा शैम्पू आप ऑनियन वाला बोलेगे तो वो बिलीव नहीं करेगा, कोई भी नहीं समझेगा ये ऑनियन का. इसमें कोई भी टिंट हिंट भी नहीं है फ्रेग्रेंस का. बहुत ही सूदिंग एंड एक बहुत ही फ्रेश रिफ्रेशिंग एक फ्रेग्रेंस है, बहुत ही इफेक्टिव है डियर.
ये आप देखिए, बहुत लेने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसमें फोम क्रिएट होता है। इसे डीप ऑयलिंग करते हो ना डियर, थोड़ा सा ल्यूकॉर्म एकदम गुनगुना पानी जिसे बोलते हैं उसके साथ हेयर ऑयल को थोड़ा सा क्लीन कर लो ताकि ऑयल निकल जाते हैं ना, हम थोड़ा ल्यूकॉर्म वाटर डालते हैं। तो फिर इसको दो पंप अच्छे से भर भर के लेना और आपके हेयर लेंथ के हिसाब से आप लेना कितना चाहिए। फिर एक मिनट तक मसाज करते हुए रिमूव करना, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा क्वान्टिटी लेना आपको लगे कि हेयर ऑयल अभी तक है, क्योंकि इसमें झाग थोड़ा कम होता है इसलिए। तो आप उसको 5 मिनट्स तक रखने के बाद वॉश कीजिए, फिर पूरा का पूरा ऑयल और जर्म्स का रेसिड्यू पूरा चला जाएगा। तो ये दोनों ही हाईली रिकमेंडेड ब्रांड है फॉर एंटी हेयर फॉल। अब आप कौन सा वाला चूज़ करोगे इस अप टू यू। आप सल्फेट बिना सल्फेट के चाहते हो, कोई हर्बल वाला चाहते हो, एंड बोथ इसमें है कि इसके साथ आप डैंड्रफ भी रिमूव कर सकते हो, माइल्ड डैंड्रफ डेफिनेटली, नॉट अ सीवियर डैंड्रफ। तो ये वाला शैम्पू हाईली रिकमेंडेड है। इसका प्राइस है डियर, सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, इसका प्राइस है 799 और शेल्फ लाइफ है 1 ईयर। इसका ज़्यादा शेल्फ लाइफ नहीं होती है, बिल्कुल हर्बल है एंड प्योर है इसलिए इसका 1 ईयर की शेल्फ लाइफ है और इसका 799 है। बट इतना अच्छा डील मिल जाता है, मुझे ये 550 या 600 अराउंड मिल गया था शायद। और ये दो प्रोडक्ट बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली। तो डियर ये आप ट्राई कीजिए, और ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो जो भी है मेरे कमेंट बॉक्स पे मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है वो भी मुझे इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर पूछ सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो जरूर से ज़रूर लाइक बटन प्रेस कीजिएगा, और ये वाला यूज़फुल वीडियोज़ ना आप बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिएगा, इसे मैंडेटरीली आप शेयर कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।